हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुन एंड ह्यूलके। इन दोनों ने एक थ्योरी दी थी और ये एक्सटेंशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, या विस्पर थ्योरी की भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से खाली जो आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन ये थ्योरी कहती है खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं, अंदर वाले जो होते हैं इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अगर मॉलिक्यूल बनना है खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं, क्या क्या कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सबसे पहले इसे कहा था कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होते हैं वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास क्या है, सपोज करो मेरे पास जो है वो दो, मैंने जो है वो दो ऑमलेट बनाने हैं, मेरे पास एक अंडा ऐसे होगा, मेरे पास सेकंड अंडा जो है वो ऐसे होगा, लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करूंगी मेरे पास जो अंडा होगा वो ऐसा जैसे जो है वो बनेगा। ठीक है, अब इनकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन नहीं रही, दैट इज जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बनाते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे एक बना एक ही बनते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन they lose their identity to form molecular orbitals। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और तब जाके वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नंबर सेकंड क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं ये एनर्जी की स्टेट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बस वही चीज, जैसे आपके पास एटम के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है ना जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, ऐसी एनर्जी की शेल्स होती है, एनर्जी का हम बोलते हैं स्टेट होती है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एटम्स रखा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूल को जो है वो डेजिग्नेट करता है। तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the molecule takes place। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं वो क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होती है एनर्जी स्टेट्स लेकिन एटम्स की जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती है, एनर्जी की स्टेट्स होती है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, नंबर थर्ड आएगा आपके पास, जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, एटम है, सपोज करो सिंगल एटम है, इसका न्यूक्लियस है, और जो आपके एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ऑर्बिटल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो आपका ऑर्बिटल होता है इट गिव्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कहां पे इलेक्ट्रॉन होता ही ऑर्बिटल के अंदर है, इसका मतलब। लेकिन हम श्योर तो नहीं है, हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव है, वो यहाँ पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है, लेकिन होता कहां पे है एक्चुअली, वो ऑर्बिटल के अंदर होता है। इसका मतलब ऑर्बिटल क्या देता है, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है किसके अंदर, इनके सब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो एटम के अंदर। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस ही बल्कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। देखो मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है,
ठीक है, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे उस केस में आप जो है वो जो बाहर से उसको बोलोगे कि दैट वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो उस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी देगा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी लेकिन अराउंड सिंगल न्यूक्लियस ही बल्कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जिससे आपका वो मॉलिक्यूल बना होगा। ठीक है, सो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या देता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल gives the electron probability density around the group of nucleus. ठीक है, सबसे पहले इसे बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को जो है वो लूज करते हैं। दूसरी चीज इसे बोली कि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट्स होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एनर्जी स्टेट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बट इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द एटम नहीं, क्योंकि एटम के बारे में कौन देता है, एटॉमिक ऑर्बिटल देता है। वैसे ही चीज जो आपका ऑर्बिटल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है अराउंड द सिंगल न्यूक्लियस, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या देगा, ये देगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करके जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं, दो ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल आप बोलो, ठीक है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है वही वाली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकती है जिनका कंपेरेबल जो है एनर्जी होती है और जिनकी कंपेरेबल क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स Combine to form molecular orbitals, which have comparable energy and proper orientation. इस चीज का मतलब क्या है, सपोज करते हैं कि एक का वनस जो है वो दूसरे के वनस के साथ ही जो है वो ओवरलैप कर सकता है, दैट इज कंबाइन कर सकता है, तब जाके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वाले एटम का जो है वो वनस होगा दूसरे वाले के जो है वो टूएस के साथ करेगा। हाँ, ओरिएंटेशन तो सेम है, एस की जो शेप होती है स्फेरिकल होती है लेकिन जो टूएस होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, वनस से ज्यादा होती है, तो जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी वही आपके पास क्या कर सकते हैं, ओवरलैप करके जो है वो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। 2s को अगर कंबाइन करना है वो 2s के साथ ही जो है वो करेगा क्योंकि दोनों की कंपेरेबल एनर्जी है और दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो भी सेम है। हाँ, 2s जो है वो 2pz के साथ जो है वो कर सकता है क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है, दोनों जो है वो सेकेंड शेप को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों की जो आपके पास ओरिएंटेशन होती है वो एक जैसी होती है, जैसे आपके पास एस ऐसा होता है, जेड ऐसा होता है, इन दोनों में जो है वो ओरिएंटेशन जो है हम बोलते हैं सेम है, एनर्जी भी कंपेरेबल है क्योंकि सेकेंड शेप को बिलोंग कर रहा है और दोनों जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है ये 2px जो है वो 2s के साथ जो है वो कंबाइन या ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन क्या है वो डिफरेंट है। तो वही वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं जिनकी आपके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज उनकी जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, वो सिमिलर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अब उसकी बात है, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined, is equal to the number of atomic orbitals combined. सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन अगर करेंगी तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी तो वो क्या करेंगे, तीन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनाएंगे। अगर हम टेक्निकली देखें हम ये सोच रहे होंगे कि दो जो है वो मिलके जो है वो एक बनाएगा, तीन मिलके जो है वो एक बनाएगा, लेकिन नहीं, दो कंबाइन हो रहे हैं दो ही जो है वो बनेंगे, तीन कंबाइन होंगे तो तीन ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे चार ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो मैं तब बताऊंगी जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल आप इतना याद रखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो किसके बराबर होती है, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोस कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा वो ये कहता है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर. मैंने बोला जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बनेगी. अगर सपोज करो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनाएंगे, जिनमें से एक होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होता है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल has lower energy and more stability than anti-bonding molecular orbital. जो आपके पास bonding molecular orbital होता है उसकी जो energy होती है ऐसा होता है कि दो atomic orbitals combine कर रहे हैं आपके पास जो है वो दो molecular orbital बनती है जिनमें से एक नीचे होती है एक ऊपर होती है. एक की एनर्जी कम होती है एक की एनर्जी ज्यादा होती है. आप ये तो जानते हो कि एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है. बॉन्डिंग जो है वो नीचे होता है उसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पोस्टुलेट होता है ये कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital is represented by, are represented by sigma pi or del. ये del जो है आपने अभी नहीं पढ़ना है, ये आप हायर क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, और एंटी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल orbitals are represented by sigma star, pi star or del star. Star star से जो है वो आप एंटी बॉन्डिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट पोस्टुलेट इसके हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग. जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेबर प्रिंसिपल. यहाँ पर भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे. ठीक है, दैट इज हम लिखेंगे द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डन on the basis of Pauli's exclusion principle above rule and Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. तो क्या बोलती है अगर नक्शल में जो है इसके पॉस्टुलेट्स देखें तो सबसे पहले तो ये बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है जब भी कंबाइन करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं और अपने वो क्या बनाते हैं, नए किस्म के ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. दूसरा ये कहता है कि जो आपके पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, एनर्जी स्टेट्स होती है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बट इनसाइड द मॉलिक्यूल. तीसरी चीज ये बोलता है कि जो आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो प्रॉबर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है बट अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम से जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना है.
उसके बाद है आपके पास खाली वही वाली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकती है, जिनकी आपके पास एनर्जी समवॉट सेम होती है और जिनकी ओरिएंटेशन क्या होती है वो सेम होती है। तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके पास क्या बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। सपोज अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करिए तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें से एक होती है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वेरस एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। और नेक्स्ट है उसमें कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम सिग्मा पाई एंड एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को खाली स्टार स्टार लगा दो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। लास्ट रहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो सेम रूल से होती है जैसे हम जो है वो एटम के केस में जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाय मीन्स ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एफ वो रूल एंड होल्ड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आई गेस कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपके पास जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है अब हम बोलते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो अब तब जाके आपके पास क्या होते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके, वो तो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनानी चाहिए तो क्यों बनाती है। इसमें देखिए आप नेक्स्ट लीनियर पॉस्टुलेट्स खत्म हो गए। ठीक है, यह आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आपको ये तो पता है जो आपका ऑर्बिटल होता है जो आपकी इलेक्ट्रॉन होती है वो समवट क्या होती है वो वेव होती है। इसका मतलब वेव जिसके अंदर प्रेजेंट है समवट ऑर्बिटल को बोले, ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल को भी हम समवट जो है वो वेव नेचर जो है वो दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं खाली ऑर्बिटल्स को एज अ वेव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास जो है दो एटम्स है एटम ए एंड एटम बी और इन्होंने क्या बनाना है ए बी मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एटम ए जो है उसकी जो है मेरे पास क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सपोज करते हैं ये मेरे पास ए है। ठीक है, और यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि इसका जो एम्पलीट्यूड है हाइट जो है वेव की वो है साई ए के बराबर। ठीक है, सपोज करते हैं ये भी मेरे पास दूसरी एक वेव है या फिर दूसरी ऑर्बिटल है बी, बी एटम की ऑर्बिटल है ये। ठीक है, और इसका जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो क्या है वो साई बी है, साई बी। ठीक, अब देखो मैंने बोला दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन करके जो है वो क्या बनाते हैं आपके पास दो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकती है। लेकिन वो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे आप देख रहे हो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने लिए एक एटम की ली ये दूसरे वाले एटम की ली, इन्होंने भी कंबाइन करके आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनानी है। क्यों बनता है बॉडी कैसे बनता है एंटीबॉडी वो बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है इन फेस है। इन फेस का मतलब कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आता है, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आता है, इस वाले का क्रस्ट जो है वो इसके क्रस्ट के ऊपर आता है। ऐसी वेव जिसका क्रस्ट एक ही क्रस्ट के ऊपर आता है, जिसका ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आता है, जिसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आता है, उनको हम कहते हैं कि ये जो वेव होती है वो इन फेज होती है। क्या होती है? इन फेज होती है। और इन वेव्स को जब हम कंबाइन करते हैं ना तो बाय मीन्स ऑफ एडिशन से ये जो है वो क्या करती है कंबाइन करती है। एडिशन से जब ये कंबाइन करेंगी तो जाहिर सी बात है इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसका एम्पलीट्यूड जो आपके पास नेट ऑर्बिटल आएगी दैट इज कौन सी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है। अब उसका जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा इन दोनों का सम होगा, वो क्या होगा आपके पास एडिटिव से बनी है। इसका मतलब ये जो मेरे पास होगा ये क्या होगा मेरे पास ये होगा साई ए प्लस साई बी के बराबर होगा, दोनों को जो है वो ऐड करके हम बना चुके हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास ऑर्बिटल बनी ना ये होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? जब आपके पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रही है वो इन फेस हो। ठीक है, दैट इज एक का क्रस्ट जो है वो दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आया। तो ऐसी वेव्स ऐसी ऑर्बिटल जब कंबाइन करती है तो वो बाय मीन्स ऑफ एडिशन कंबाइन करती है, और जब बाय मीन्स ऑफ एडिशन कंबाइन करेगी तो आपके पास जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वेव का या नेट एम्पलीट्यूड होता है ऑर्बिटल का वो क्या होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, क्या हमेशा ऐसा होगा कि जो आपकी वेव होगी वो इन फेज होगी? नहीं, आपकी जो वेव होती है वो कभी कभी जो है आउट ऑफ फेज भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा इसको जब मैंने एडिशन लिखा ना, जब मैंने ये बड़ी सी वेव जो है बनाई ना, ये जो आपका ये एम्पलीट्यूड है ना इसको आप जो है वो इसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये बेटर रहेगा।
जब आप क्या करते हो, अब मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बता दिया आपको, एंटीबॉन्डिंग में क्या होता है, एंटीबॉन्डिंग में जो है एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है वो क्या होती है, वैसी होती है, दूसरी वाली क्या होगी वो ऐसी होती है। इसका मतलब कि ये भी बी एटम ही है, ये भी बी एटॉमिक ऑर्बिटल ही है, और इस केस में क्या है आपके पास ये साइज भी है, ठीक है। लेकिन इसका क्रस इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है, इसका क्रस इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जहां जहां पे यहाँ पे क्रस्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या है ट्रफ है। इसका मतलब ये जो आपके पास वेव है ये क्या है, ये आउट ऑफ फेज है। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज वेव कहते हैं। और जब भी आउट ऑफ फेज में वेव होती है वो क्या करती है, बाय मीन्स ऑफ सब्स्ट्रेक्शन जो है वो क्या करती है, कंबाइन करती है। जब सब्स्ट्रेक्शन होगी ये दो वेव का एम्पलीट्यूड जब मिल जाएगा बाय मीन्स ऑफ सब्स्ट्रेक्शन, तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा और आपके पास जो वेव होगी वो समवर्ट क्या होगी, वो ऐसी होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, ये माइनस से जो है वो बनती है। ये जो आपके पास होगा ये क्या होगा, सपोज करो ये साइड ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो आपके पास क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी के बराबर होगा। अब देखो मेरे पास क्या है, इस केस में क्या मैंने बोला आपको कि ये जो मेरे पास बनी ना, दिस इज एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जो है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। मैंने बोला क्यों बॉन्डिंग बनता है, क्यों एंटीबॉन्डिंग बनता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों नहीं बना देते, एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों नहीं बनाता। बिकॉज जब आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है ना, वो इन फेज भी कंबाइन कर सकती है, वो आउट ऑफ फेज भी कंबाइन कर सकती है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा जो है वो इन फेज में होगी, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है आउट ऑफ फेज में होगी, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों इन फेज में हो, दोनों आउट ऑफ फेज में हो, या फिर मतलब हम ये बोल सकते हैं नॉट आउट ऑफ फेज, दैट इज कभी कभी वो इन फेज हो सकती है, कभी कभी वो आउट ऑफ फेज हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक का क्रस दूसरे के क्रस के ऊपर हमेशा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक का क्रस जो है दूसरे के ट्रफ के ऊपर हो सकता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे। इसका मतलब आपके पास जो है वो एक ही तरह की, जब आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करोगे आपके पास एक ही एटॉमिक एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, बिकॉज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो दो टाइप के पॉसिबल है। तो दैट मीन्स इस केस में क्या होगा, आपके पास दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। जब आपके पास दोनों इन फेज होता है तो आपके पास क्या होती है, बाय मीन्स ऑफ एडिशन से एक ऑर्बिटल बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जब दोनों क्या होती है आउट ऑफ फेज होती है, एक का क्रस दूसरे के ट्रफ के ऊपर आता है, तो हम बोलते हैं दोनों में जो है वो कंबाइन होंगे बाय मीन्स ऑफ सब्स्ट्रक्शन से, और आपके पास क्या बनता है, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। अब एक चीज, जो चीज स्टेबल है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या फिर जो चीज अनस्टेबल है, जाहिर सी बात है जो चीज स्टेबल है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब स्टेबल कौन सी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो आपके पास संभावना है, वो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे होगा, वो होगा आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ऐसा क्यों है, वो इसलिए है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज दिस वन स्केयर, साइज स्केयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो सकता है, कितनी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है आपका प्रोबेबिलिटी। अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें सपोज करती हूँ मैंने लिखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं जो है वो इससे रिप्रेजेंट करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को, वो किसके बराबर होगा, वो होगा साई ए प्लस साई बी के बराबर, और ये वन होल का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, अगर मेरे पास ये जो है वो इसके बराबर होगा, साई ए प्लस साई बी के बराबर होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर है, तो प्रॉपर्टी इसकी किसके बराबर होगी, वो इसके स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो दोनों एटम ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए ऑर्बिटल, वैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ बी ऑर्बिटल। तो दोनों को जब हम सम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वेयर जब हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे उस केस में क्या होता है, डैश लगाओ या फिर स्टार लगाओ, आपकी अपनी चॉइस, स्टार लगाते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो होता है वो सब्ट्रैक्शन से बनती है। इसका मतलब साई माइनस साई बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर होगा आपके पास ए का स्केयर, प्लस होगा आपके पास बी का स्केयर, माइनस होगा ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी के बराबर, ठीक है। इसका मतलब इस चीज को बताया, देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बीएमओ है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। और आपको ये दिख रहा है ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने बोला कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही है तभी जाके आपके पास जो है एक बन रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन रही है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
जब एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी कितनी है साई स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी है साई बी स्क्वायर, लेकिन इसकी क्या आ रही है, इन दोनों का सम आ रहा है प्लस आ रहा है ये वाली वैल्यू भी। इसका मतलब जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी जो प्रॉपर्टी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर्ड टू टू एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे वो बना है। किस अमाउंट से, बाय एन अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी। क्यों होता है ऐसे, बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू टू एटॉमिक ऑर्बिटल विच अंडरगो कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ दिखा रही हूँ, बॉन्डिंग को नीचे दिखा रही हूँ, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर दिखा रही हूँ। एंटी बॉन्डिंग जो होती है दो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में होता है, दैट मींस वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। बॉन्डिंग नीचे इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस की जो अगर ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन वहीं रहना पसंद करेगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होता है, वो हम क्लियरली यहाँ पे भी देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे प्रॉबर्टी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि जो आपका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वहां पे प्रॉबर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द टू एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉबर्टी डेंसिटी, सम ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉबर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी। क्यों? बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। जब हम एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं वहां पे आप देख रहे हो कि इन दोनों का सम माइनस ये है, इसका मतलब कि जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पे जो आपके पास प्रॉबर्टी डेंसिटी है वो क्या है, इन दोनों के मुकाबले में जो है वो कम है। दैट इज जिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल से बना है उनकी प्रॉबर्टी डेंसिटी माइनस है आपके पास ये चीज। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर द प्रॉपर्टी सम ऑफ द प्रॉपर्टी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका मतलब, और ये क्यों होता है, क्यों इसमें कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इसके जो होता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है किससे, बॉन्डिंग से। अब ये चीज है कि ये अनस्टेबल क्यों है, ये वाला जो है वो स्टेबल क्यों है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्यों अनस्टेबल होता है, ये चीज पता चल गई आई गेस कि प्रॉपर्टी जो होती है वो बॉन्डिंग में जो है वो ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में जो है वो कम होती है, बिकॉज बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग जो है वो कम स्टेबल होता है। अब बात करते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है ऐसी क्या चीज होती है जो एंटी बॉन्डिंग में नहीं होती है। जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, देखो आपके पास एक एटम है, सपोज करो आपके पास दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा ऐसा जैसा मॉलिक्यूल। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कौन सा, बीएम होता है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द कंबाइनिंग एटम, इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द कंबाइनिंग। तो जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे होगा, वो सम इन दोनों के बीच में कहीं प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जो है दो न्यूक्लियस के बीच में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब अगर ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इस न्यूक्लियस को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन लीड्स टू द रिलीज इन एनर्जी, एंड रिलीज इन एनर्जी लीड्स टू द डिक्रीज इन एनर्जी, एंड डिक्रीज इन एनर्जी लीड्स टू द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन बिटवीन द न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी कम होती है, और ये क्या बन जाता है आपका, ये स्टेबल बन जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, अगर आपके पास जो है वो दो न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों जो है जो आपके पास न्यूक्लियस है ना, इन दोनों के बीच में नहीं पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये जो दो आपके पास न्यूक्लियस है ये क्या होते हैं, ये फेस टू फेस होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दो न्यूक्लियस फेस टू फेस होंगे, ये क्या करते हैं, इसमें को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होता है आपके पास, रिपल्शन की वजह से याद रखना हमेशा एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या होती है, रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो बॉन्डिंग में इसलिए एनर्जी कम होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वहां अट्रैक्शन ज्यादा होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ओवरऑल कम हो जाती है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। और इस केस में क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस फेस टू फेस आ जाते हैं, वहां पे रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है। आज हमने पढ़ा कि जो आपका पॉस्टुलेट क्या क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इसके अलावा हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे बॉन्डिंग बनता है, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनता है, और हमने ये भी जाना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी जो है वो कम क्यों होती है, वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ेंगे।